guys and welcome back to my new vlog. So I know I have been missing for a long time in between. बहुत दिन हो गए मैंने vlog नहीं किया. आप लोगों को पता है festivals चल रहा है तो उसी में busy थी. हमारे society में function था, ये था वो था, लेकिन मैं ज्यादा vlog नहीं कर पाई क्योंकि मेरे को पता था कि मैंगलोर का vlog pending है. इसलिए मैंने जितना हो सके उतना reels डाला है. तो अगर इफ यू ऑल वांट टू फॉलो अप ऑन क्या हो रहा है मेरे लाइफ में तो प्लीज जाके मेरा रील्स देखो, जो शॉर्ट्स डालते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स वो देख लो. सो तो अभी अभी हमारे बिल्डिंग में माता की चौकी थी तो वो अटेंड करके बस आई हूँ मैं. एंड आई थॉट आज का व्लॉग डाल देती हूँ मैं फटाफट. मैंगलोर वाला व्लॉग्स फिनिश कर देते फिर हमारा मुंबई वाला व्लॉग्स भी डालना है. So yeah, and आज जो आप लोग व्लॉग देखने वाले हो इट इज लाइक वन अमंग माय हैप्पीएस्ट डेज ऑफ माय लाइफ. सो हुआ क्या था, मैं जब मैंगलोर गई थी आई ऑलवेज कनेक्ट विद माय बेस्टी कि मैं मैंगलोर जा रही हूँ तो आ रही है क्या. एंड देन वी टेल की वी डिसाइड ऑन डेट्स कि हम लोग कब मिलेंगे क्या है एंड ऑल दैट. बट इस बार क्या हुआ, उसने बोला कि इट्स इम्पॉसिबल, वो आ ही नहीं सकती है क्योंकि शी इज वेरी बिजी विथ थिंग और वो बिल्कुल नहीं आ पाएगी. एंड सो आई वॉज लाइक काइंड ऑफ सैड क्योंकि मैंगलोर हम लोग कभी कभी जाते हैं और जब जाते तभी भी हमारे बेस्ट फ्रेंड से नहीं मिले तो वी हैव टू वेट फॉर अनदर टाइम टू ट्रैवल टू मैंगलोर. तो बहुत एक दो महीने का गैप भी बहुत हो जाता है. सो वी मेक श्योर कि जब भी मैंगलोर आते हैं हम लोग एक दूसरे से मिले. सो या डेज वर गोइंग ऑन. मैं मैंगलोर में कुछ ही दिन के लिए थी ना, आई थिंक लाइक आई वॉज देयर फॉर 10 days आई गेस. तो पूरा व्लॉग आई थिंक अभी अराउंड लाइक 7-8 days का व्लॉग तो मैंने डाल दिया है. बाकी का 2 दिन कुछ तो बाकी है, 2-3 दिन शायद बाकी है. तो इसमें क्या हुआ, एक दिन हम लोग ऐसे ही गए थे बाहर. जस्ट गिव मी अ मिनट. आयशो आगे के घर पे आई थी, आ गई. सो ऐसे बाहर गए थे और मेरे को सडनली श्रुति का बैक टू बैक कॉल आता है एंड आई एम लाइक व्हाट हैपेंड. सो वो बोल रही थी कि वो मेरे लिए एक दिन के लिए मैंगलोर आ रही है. कुछ और थोड़ा सा काम था लेकिन मेनली शी वाज कमिंग टू मैंगलोर फॉर मी एंड लेट्स मीट अप टुमारो. एंड बिलीव मी आई वाज सो हैप्पी. मेरा ध्यान कहीं पे भी नहीं लग रहा यार, बेस्ट फ्रेंड को मिलने का मजा ही कुछ अलग है. इट्स लाइक अ थेरेपी. अदरवाइज उसको फोन पे बात करने का टाइम ही नहीं है. मैं 100 बार वीडियो कॉल करती हूँ, वो 1 बार उठाती है उसमें. तो उस दिन शी हैड कम डाउन जस्ट फॉर मी एंड शी मेड माय डे. माय ट्रिप वाज अमेजिंग आफ्टर दैट बिकॉज आई मेट हर. और हम लोगों ने क्या क्या किया उस दिन वो सब मैं आप लोग को दिखाऊंगी. इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग, प्लीज एंड तक जरूर देखना. जनरली बोल रही हूँ इट वॉज लाइक द बेस्ट डेज, वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ. सो लेट्स जंप इनटू द व्लॉग. So after meeting my buddy, we went to this weird looking restaurant which was actually amazing. हम लोग जब अंदर जा रहे थे हम लोग इतना amazed हो गए थे और वहाँ का खाना भी इतना मस्त था. This was squid butter garlic which was amazing. मेरे को record करते time उसका taste याद आ रहा है, मेरे को मुँह में पानी आ रहा है. The ambience of this place was so good. ज़्यादा लोग तो नहीं थे क्योंकि हम लोग obviously दोपहर को गए थे. So yeah, in which ways we loved the place. Cleftico, the name of the place was. And yeah, you can see ये देखो कैसा मस्त दिख रहा है. पूरा वो dinosaur का fossil वाला ये बनाया है वो लोगों ने. It was very nice and we couldn't eat much because I was very very nervous क्योंकि श्रेयस ने
सडन कॉल किया था एंड ही इन्फॉर्म मी दैट आई हैव टू डू अ पॉडकास्ट विद हिम. मेरे लाइफ का पहला पॉडकास्ट है एंड आई जस्ट हैड नो क्लू कि व्हाट आई वाज सपोज टू टॉक इन द पॉडकास्ट. बट श्रेयस वाज वेटिंग फॉर अस सो वी हैड टू रश टूवर्ड्स द प्लेस वेयर ही वाज. बट सीरियसली आई वॉज सो नर्वस. मेरे को जब श्रेयस का कॉल आया मेरे को खाना भी अंदर नहीं गया, जो दो तीन बाइट खाया बस उतना ही. फिर उधर जाके मैं बस यही सोच रही थी कि मैं क्या बात करूंगी. एनीवेज लेट्स गो. हाय श्रेयस. श्रेयस गणनाथन. वेयर आर वी गोइंग टुडे? टुडे आवर चीफ गेस्ट फॉर टुडेस प्रोग्राम, टुडेस पॉडकास्ट इज नन अदर देन योर सुपर मॉम दिशा. No Monday. I'm not used to it. I'm very scared. Yes. What if I goof up? Lock mal tare. Ah, itchan. Nervous aate the yana. Incredible Mangalore. Man so of much. My dreams, sir. Man of. She only knows to gossip. ताजमहल एंड बाई पिक. तो लाइव चालू हो गया था एंड इट वॉज गोइंग ऑन इन साइड और नेक्स्ट मेरा टर्न था. मैं वेट कर रही थी बट आई वॉज सो सो नर्वस. बट यहाँ पे हम लोग दोनों बैठ के इतना हंस रहे थे जैसे कुछ पागल ही हो गया हम लोग. वो बाहर आके लिटरली बोला बात मत करो एंड देन दे कॉल्ड मी इन साइड. What to say? It's a good thing. And a little negativity also is there, but don't get demotivated at all. Now are you demotivating or motivating? I am motivating, but you see, at start it's really difficult with to cope with things. Starting in mastu banga apud, you feel ki your freedom is gone and all that. So after the huge success of the podcast, here we are to have ice cream and this nonsense masala chai. Some jobless people can't live without chai. Ice cream cold itna shuti. This is hot and this is cold. So we have come to Pabbas. Pabbas. Pabbas, ideal world. We get everything here, but it's all veg. And the same greeting card has to be submitted to the teacher tomorrow morning. तो ये टाइम में आप देख सकते हैं मैं इतना खुश थी क्योंकि आई वॉज जस्ट वरीड ऑफ नो कि मैं कुछ गुफ अप कर दूंगी, पॉडकास्ट पे कुछ बोल दूंगी या आई डोंट नो. आई वॉज वेरी नर्वस लेकिन इट वेंट सो वेल दैट आई वॉज लाइक फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ. आई डोंट ऐसा लग रहा था कि मैंने क्या ही उखाड़ लिया. बहुत ही खुशी मिल रही थी मेरे को एंड टू सेलिब्रेट दैट श्रुति एंड मी वी केम टू पब्बास वेयर वी गेट द वर्ल्ड्स बेस्ट आइसक्रीम. तो यहाँ पे आके हम लोगों ने इतना चिटचैट किया. श्रुति वॉज सपोज टू लीव टू बैंगलोर द सेम नाइट. वो सिर्फ एक दिन आई थी स्पेशली मेरे लिए एंड आई थिंक दिस वॉज द best day of my trip. Podcast bhi acha gaya and my bestie also had come to meet me. By the way, aap logo ko mera podcast dekhna hai to I'll put the link in the description. It is in Tulu and English. Jisko Tulu nahi aata hai, I'm sorry, I don't know how to translate it, but jisko aata hai, most welcome. Waise maine English mein bhi baat kiya hai usme, to you all might probably understand, hopefully. So zarur jaake dekhiyega aur फीडबैक दीजिएगा.
Kadmalpla. Arvind is getting ready. Chalo. Take your stuffs. और यहाँ पे मस्त आइसक्रीम आइसक्रीम खा के हम लोग निकल गए घर के लिए. इट्स नॉट दैट हैप्पी मोमेंट व्हेन हम लोग ईच अदर को बाय बोलते हैं, बट लाइफ हैज टू गो ऑन. तो या दैट्स हाउ वी से बाय. इसके बाद भी कुछ प्लान है हमारा जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बाद में. स्टे ट्यून. हेलो गाइस, तो हमारा एक राउंड हो गया. नाउ इट्स फैमिली टाइम, सो वी आर गोइंग फॉर फैमिली डिनर. एक्सक्यूज मी पीपल, बाय बाय. इट्स हाय हाय. तो कहाँ जाते हैं सब अब लोगों को मैं दिखाऊंगी. लास्ट टाइम जब हम लोग मैंगलोर आए थे तब हम लोग वहीं पे गए थे. फिर से जा रहे हैं फैमिली के साथ. Let's go. और प्राइशु को थोड़ा फीवरिश लग रहा है तो आई एम गोइंग टू कैरी दिस ब्लैंकेट ऑफ हर्स ताकि उसको रेस्टोरेंट में कुछ ठंडी लगे या नींद आए तो शी कैन यूज इट. तो ये रेस्टोरेंट लस पैरो मैंने लास्ट टाइम जब मैंगलोर आई थी तभी भी आप लोगों को दिखाया होगा. तभी मैं पूरा अपने पलटन के साथ गई थी मेरे कजिन्स के. और यहाँ पे देखो स्काई डाइनिंग भी है, वही दिखा रही थी. एंड यहाँ पे मैं अंदर गई और यहाँ पे मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया बिकॉज इट वॉज ऑब्वियसली फैमिली टाइम एंड वी हैव टू एन्जॉय आर फैमिली टाइम. So yeah, that's it for today's vlog, guys. अगर आप लोग को ये वाला vlog अच्छा लगा तो please, please, please like करना. Subscribe नहीं किया तो subscribe करना. मेरा reels Instagram में, Facebook में follow करना जिसमें है super mom दिशा. Please जाके follow करो. और जो भी podcast है description में मैं link भेज डाल दूंगी. अगर आप लोग देख सकते हैं समझ सकते हैं तो please जाके देख लो. So that's it for today's vlog, guys. Hope to see you all in the next vlog. Till then, toodles, show some love.